ये इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम आता है। क्वेश्चन है सॉल्यूशन टू कीप बिटवीन द 68 फारेनहाइट टू 77 फारेनहाइट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट कन्वर्सन फॉर्मूला इज गिवन। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, तुम्हें भी याद रखना है। ओके, एफ इक्वल टू 9/5 × 6 cos 32। सारी एंट्रेंस में कोई भी एम ही पूछ लेता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, फारेनहाइट सेल्सियस का। ओके, तो एफ इक्वल क्या फॉर्मूला है, 9/5। ओके, 9/5 × 6 cos 32 फारेनहाइट और सेल्सियस को कन्वर्स होना। सो ये सॉल्यूशन टू बी कैप्ड इन टू द फारेनहाइट को इतना। ओके, तो एक फारेनहाइट से एक सॉल्यूशन है, कौन सा रेंज में है, 68 डिग्री टू 77 फारेनहाइट में है। ओके, 68 फारेनहाइट टू 77 फारेनहाइट में है, उसको सेल्सियस में कितना आएगा ये करना है। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 68 फारेनहाइट से 77 फारेनहाइट में है, उसको हम डिग्री सेल्सियस में निकालना है। अच्छा, एफ का फॉर्मूला डाल दीजिए। एफ का क्या फॉर्मूला है, 9/5 × c cos 32। और ये 68 फारेनहाइट से 77 फारेनहाइट है, हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है। पहले प्लस 32 को बच्चों उड़ा देना है, तो प्लस 32 तो इधर भी माइनस 32। ओके, इधर भी माइनस 32 और इधर भी माइनस 32। पहले प्लस 32 में उड़ाना, इधर ही माइनस 32, इधर ही माइनस 32, इधर ही माइनस 32। 8 - 2 कितना, 6, 6 - 3 कितना, 36। ठीक है, 8 - 2 = 6 होता है। ठीक है, तो ये प्लस 32 - 32 कट गया 9/5 × c। ओके, ये 7 में 2 = 5, 7 में 3 = 45। ठीक है, फिर c निकालना है हमें, फारेनहाइट का था, c में निकालना है, 5/9 × कीजिए, इधर भी 5/9 × प्लस का मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस मल्टीप्लाई तो ये साइन भी चेंज होता है, ये साइन भी चेंज होता है, हर जगह 5/9 मल्टीप्लाई करते हैं। पॉजिटिव का डिवाइड में कोई साइन चेंज नहीं होता, यानी आपका क्या हो गया, ये 9, ये 9 कट, ये 5, 5 कट, और ये 9, 5 जा 45। ओके, और ये 9/4 = 36, ये 20। ओके, और ये आपका सी, ये 20 और ये सी, और ये 25। तो अगर एक 68 फारेनहाइट से 77 फारेनहाइट है, अगर तुम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो, 20 सेल्सियस से 25 सेल्सियस डिग्री रहेगा। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। हाँ जी बोलिए सर, एक रिक्वेस्ट है सर, इसको वाइट ना करके ब्लैक करने से चलेगा क्या सर, आंख कैसे कैसे लग रहा है। तो वो पायल का थोड़ा रिक्वेस्ट था क्या कि, ओ अच्छा ठीक है सर, पायल का रिक्वेस्ट था कि वो पायल पायल अगर मेरा नहीं 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 प्रीति पायल का रिक्वेस्ट था। ओके, ठीक है, व्हाइट में ज्यादा प्रेशर होता था इसलिए मैं ब्लॉक किया था। अच्छा ठीक है, ये प्रीति पायल में ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, नहीं प्रीति पायल ब्लॉक कर दो, उसका रिक्वेस्ट था कल चेंज। प्रीति पायल हां सर, ब्लॉक कर दे, ब्लॉक कर दे, ठीक है। हां सर कर दो। अच्छा ठीक है, वो प्रेशर आग के ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये आईक्यू का फॉर्मूला दिया, ये आईक्यू का रेंज दिया है,
आपका 80 से अभी आईक्यू का रेंज दिया जाए 80 से 140 हो। जिस लड़के का एज 12 साल है उसका मेंटल एज कितना रहेगा? कुछ कुछ सुपर जीनियस रहते हैं, मैंने वो एज 14 साल का है लेकिन उनका दिमाग 16 साल 18 साल का अंदर काम करता होगा। कुछ कुछ ऐसा होता है, कोई मिल गया एज 30 साल का है, दिमाग 16 साल या 8 साल का काम करता होगा। अभी तो स्पेशल केसेस ऐसा भी होता है, लेकिन जनरली ये फॉर्मूला आईक्यू का फॉर्मूला है, एक मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू ये। तो जो बच्चा 12 साल है उसका मेंटल एज कितना रहता है? देखिए फॉर्मूला डालिए आईक्यू का, ये MA बाई CA इंटू 100। ओके MA बाई CA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 80। ठीक है, तो ये IQ का फॉर्मूला MA बाई CA इंटू 100। ओके यहाँ पर दिया है जिस लड़का का एज 12 साल है, ओके उसका मेंटल एज कितना रहता है? पहला हमें 100 को हटाना है, तो इधर भी डिवाइड 100, इधर भी डिवाइड 100 और इधर भी डिवाइड 100। ओके ठीक है, तो ये आपका 100 100 कट गया, ये 8/10 रहा। ओके ये MA/12 रहा, ये 14/10 था, 1010 कट गया, 1010 कट गया 14/10 था। फिर इधर इंटू 12 कीजिए, ये 0.8 कर दे, ये इधर भी इंटू 12 कीजिए, इधर भी इंटू 12 कीजिए, इधर भी इंटू 12 कीजिए। ओके तो ये 12 कट जाएगा, 12 8 96, 9.6 ये मेंटल ले जाएगा। ओके और ये 12 4 जब सर सीए 48 क्या है? क्रॉनिकल एज, जो एज उसका रहता है फिजिकल एज जो है, ये 12 4 जब 48, 12 4 जब 48, 4 12 जब 12 प्लस 4 कितना, एक के बाद दे दीजिए। तो बात है जिसका फिजिकल एज 12 साल है, सीए क्रॉनिकल एज 12 साल है फिजिकल एज, उसका मेंटल एज 9.6 से 16.8 के अंदर रहता है। ओके जो 16 पॉइंट रहता है वो सुपर जीनियस लड़का है, और जो लड़का का 12 साल है उसका मेंटल एज 9.6 है, तो लड़का धीमा लड़का थोड़ा ये है। ओके ये डिपेंड कर ये है। ओके जो 12 साल का एज है उसका ये है, इसका इस 9.6 से 16.8 का ये रहता है। लड़का 12 साल का काम करता है, 16 साल का, 16 साल का एज का जैसे लड़के की तरह काम करता है, वो सिर्फ जीनियस लड़का है। ठीक है, और ये लड़का 12 साल का है लेकिन छोटा बच्चा की तरह बिहेव करता है, वो वही मिल गया है। ओके ठीक है, अरे समझ रहे ना? ओके डिपेंड करता है, यस ये सर अच्छे से। भगवान जो है ना सभी का दिमाग सही नहीं दिया है, किसको वो सिक्को जिन्हें दे दिया, किसको ये दे दिया, अलग अलग रहता है। लेकिन मेहनत जो है ना वो सुपर जिन्हें से आगे है, जो मेहनती होता है भले ही तुम्हारा मतलब तुम टैलेंटेड नहीं हो लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है और मेहनती करते हो, तो तुम्हारा सुपर जीनियस से तुम आगे निकल जाओगे। ओके तो हार्ड वर्क ग्रेटर देन वर्क, जो जो इंटेलिजेंट से हार्ड वर्क ये है
बड़ा है। ओके, कुछ बच्चों को उसको दिमाग काम जिंदा नहीं करता होगा। ओके, लेकिन हार्ड वर्किंग है और गुड एटीट्यूड है, वो आगे निकल जाएगा जिंदगी में। और ज्यादा टैलेंटेड है, कोई मेहनत नहीं करता है, वो पीछे चला जाएगा टाइम में। क्या कौन है भाई अंकित, क्या हुआ? ही क्या हुआ है भाई? ऑली में सुपर टैलेंटेड, वही बात है। क्यों भाई वही सुपर टैलेंटेड तू क्यों ली? आई क्यू 1000 किसका रही? गुड मॉर्निंग का तो नहीं है। ओहो ठीक है, सो लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से मैसेज वाला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर एग्जाम आता है। अगर ग्राफ का और में रहता है, अगर ग्राफ नहीं करता तो वाला होता है एग्जाम। ए सॉल्यूशन ऑफ द 8 पोर्शन ऑफ बोरिक एसिड डाइल्यूटेड एडिंग 2 पोर्शन ऑफ बोरिक एसिड टू इट, द प्रेजेंटिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। इफ यू हैव ए 640 लीटर of 8% of solution, how many liters of the 2% solution will added to this? Okay, how? देखिए, हमारा पास एक 640 liters का एक solution है, boric acid है। Okay, ठीक है, 640 liter का boric acid है। तो 640 लीटर का है, ये इतना क्वांटिटी का है, लेकिन ये 8% है, इसका 8%, इसमें 8% क्या है आपका, वो कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें बोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, इसमें क्या करना चाहते हो, इसको डाइल्यूटेड करना चाहते हो, माने इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करना चाहते हो, किसके बीच में रखना चाहते हो? इसमें 8% है बोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, तुम उसमें कुछ लो कॉन्सेंट्रेशन का, ओके लो कॉन्सेंट्रेशन का 2% लो कॉन्सेंट्रेशन का जो है 2% जो है बोरिक एसिड, उसमें ऐड करके इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करना चाहते हो, और किसके रेंज में रखना चाहते हो, मोर देन 4% और लेस देन 6% के अंदर रखना चाहते हो। तो इसमें क्या करेंगे हम, आर करेंगे, ओके इसमें डाल देंगे, ओके दोनों को मिलाकर आर करेंगे। क्या आर करेंगे? कुछ लो कॉन्सेंट्रेशन का, लो कॉन्सेंट्रेशन का आर करेंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन का ऐड करेंगे, एक्स लीटर ऐड करेंगे, उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन है 2% है, सो दैट जो डाइल्यूटेड होने पर इसका 4%, इट विल मोर देन 4%, लो कॉन्सेंट्रेशन का कुछ लीटर डाल देंगे। जब डाल देंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा देखिए, ये बड़ा सा ड्रम बन जाएगा, कितना लीटर बन जाएगा? सपोज मैं इसमें 100 लीटर ऐड करूंगा, 100 लीटर इसमें ऐड करूंगा, और इस 100 लीटर में 2% कॉन्सेंट्रेशन है, मेरा क्वांटिटी कितना हो जाएगा? सपोज मैं 640 है तो 100 लीटर ऐड करूंगा, मेरा क्वांटिटी कितना हो जाएगा? क्वांटिटी पहले कितना आएगा मेरा, बोलिए। सपोज मेरा 640 लीटर है, मैं 100 लीटर का एसिड ऐड करना चाहता हूँ जिसका कॉन्सेंट्रेशन 2% है, तो मेरा क्वांटिटी कितना, कितना लीटर मेरा बन जाएगा बच्चों, बोलिए। 640 लीटर है, मेरा 100 लीटर ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरा क्वांटिटी कितना बनेगा बोलिए? अरे बोलिए, 640 लीटर है, मैं 100 लीटर ऐड करूंगा तो टोटल क्वांटिटी मेरा कितना बन जाएगा? 740 बनेगा। सो 640 है तो 100 में ऐड किया तो टोटल, इसी तरह 640 है, एक्स लीटर में ऐड कर रहा हूँ,
टोटल क्वांटिटी बन जाएगा 640 प्लस एक्स लीटर। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऐड किया तो ये बोला ये जो है ऐड करने बाद ये बन जाएगा मोर देन फोर, क्या बनेगा, मोर देन 4% बनेगा, मोर देन 4% बनेगा। ओके, मोर देन 4% बनेगा। ओके, उसका और क्या बनेगा, एक इक्वेशन है और क्या बनेगा, लेस देन 6% बनेगा। और नहीं समझा बच्चों, ये 640 प्लस एक्स क्यों हुआ, ये 640 प्लस एक्स क्यों हुआ, 640 लीटर था उसमें एक्स लीटर में ऐड कर रहा हूँ, 640 लीटर था मैं 100 लीटर ऐड कर रहा हूँ, ये 740 बनेगा और 740 में 4% मोर होगा। तो क्योंकि मैं लो कॉन्सेंट्रेशन का मैं ऐड कर दे रहा हूँ, लो कॉन्सेंट्रेशन का ऐड कर दे रहा हूँ, जो 8% था वो कम हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी, ये एक इक्वेशन और एक इक्वेशन सेम रहेगा, लेस देन क्या रहेगा, 6% रहेगा। ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर लेस देन रहेगा और ये 6% रहेगा। पहले इसको सॉल्व करते, देखिए ये एक इक्वेशन आएगा, ये कितना है, 640 इंटू 8/100 प्लस एक्स इंटू कितना, 2/100। ये 640 प्लस एक्स, ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगा, 640 से मैं 100 लीटर ऐड कर रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी 740 हो जाएगा। इसी तरह 640 से मैं एक्स लीटर ऐड कर रहा हूँ और इसमें कितना मोर देन 4% कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अच्छा, मोर देन 4% कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अच्छा अच्छा बच्चों, पहला ये 100 कट जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम यहाँ पर एलसीएम 100 हो जाएगा बच्चों, और वो 100 उधर जाके कट जाएगा पहले। कौन नहीं समझा, ये 100 इसका एलसीएम 100 आएगा, इसका ये डिवाइड 100 उधर जाके इनटू 100 से कट जाएगा। ये कितना बन रहा है बच्चों, 8 0 0, 8 4 32 3, 8 0 0, 8 4 32 3, 8 6 48 प्लस 3, 8 4 32 3, 8 6 48 प्लस 3, ये प्लस 2x, ये 4 0 0 0, 4 4 24 2, 4 6 24 प्लस 26 प्लस 4x, एक तरफ x कर दीजिए, ये 2x है माइनस 4x, ये 2 6 4 0 है माइनस 5 1 2 0, ये माइनस 2x ज्यादा इक्वल टू कितना, ये कितना बनेगा बोले, 5 1 2 0, 0 में 0 जाने से 0, 12 में 4 जाने से 8, सर 2 5 6 0 वो क्या हुआ, 2 5 6 0 सर ऊपर में 2 5 6 0 होगा, ये वाला, ये 2 6 4 0 वाला, यस सर, ये वाला तो 4 0 0 0, यस सर, 4 4 0, हाँ फर्क गलत हो गया, ये 4 0 0 0, 4 4 16, 1 4 24, 1 2 5 6 0, ओके वेरी गुड। ये भी कितना, 2 5 6 0, ओके। अच्छा ये सब्ट्रैक्ट करो कितना बन रहा है बच्चों, शायद वही बनेगा, उसका आधा है 5 1 20, तो ये का ये आधा है 2 5 6 0, ये बनेगा माइनस 2 5 6 0, ये आधा है ना, इसको डबल करने से वही आएगा ना, देन एक्स इक्वल टू क्या बच्चा जो होने का, जब माइनस का डिवाइड होगा तो साइन चेंज होगा, प्लस का डिवाइड में कुछ नहीं होता, देन एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, ये 2 1 2 2 2 4 2 8, ओके ये एक इक्वेशन बच्चा आया। अच्छा और एक तो क्या बोल रहा है, सेम है ये, सेम है लेकिन क्या बोल रहा है, ये सेम है, क्या बनेगा, एक है
मोर देन 4 क्वेश्चन और लेस देन 6 क्वेश्चन, और एक इक्वेशन बनाइए। सेम बनेगा लेकिन क्या लेस देन 6 क्वेश्चन बोल रहा है। मेरा पास सब कुछ है, सेम है बच्चों, क्या बनेगा लेस देन 6 क्वेश्चन बोलते हैं। एक इक्वेशन बना, सेकेंड इक्वेशन बच्चों क्या बोल रहा है, एक है मोर देन 4 क्वेश्चन जब ऐड किए लेस कॉन्सेंट्रेशन का ऐड किए, और एक है लेस देन 6 क्वेश्चन। ओके देन ये क्या हो जाएगा, और एक इक्वेशन सेम इक्वेशन है ये कट जाएगा। ये बन जाएगा लेस देन 6 क्वेश्चन। अच्छा थोड़ा बना दीजिए इसको थोड़ा अलग से, ये बन जाएगा लेस देन कितना 6 क्वेश्चन। ओके तो बनाइए कितना आ रहा है, ये लिखिए थोड़ा, ये 6 ये 6 व्हाइट कलर पर लेंगे, ये 640 इंटू 8/100 प्लस ये 2x/100 ये लेस देन 6 क्वेश्चन बोलना, 6 4 प्लस एक्स लेस देन 6 क्वेश्चन बोलना। ये और एक इक्वेशन है, सेम चीज होगा, ये 100 एलसीएम जाएगा, ये 100 से कट जाएगा। ओके ये मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया था, बोलिए मल्टीप्लाई करने से कितना आया था, 800 84 जा 32 3 8 जा 43 ये 5 8 2 प्लस 2x ये 6 इनटू कीजिए, 0 6 4 24 2 6 36 2 प्लस 6x अगेन क्या होगा, ये 2x माइनस 6x ये 3 8 4 0 माइनस 5 1 2 0 2x माइनस 6x 3 8 4 0 माइनस 5 1 2 0 ये माइनस 4x लेस देन क्या हो जाएगा 1280 कितना बचाएगा माइनस 1280 माइनस 1280 सी और लॉक क्या जाए ये 0 12 में 4 जन से 8 1 12 में 8 जन से 4 कितना ठीक है। तो बच्चों यस सर x जो है ये साइन चेंज होगा, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 320 ये माइनस 4 माइनस 1280 बाय माइनस 4 जब माइनस का डिवाइड हो जाएगा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 4 दीजा, तो एक्स का क्या होना चाहिए जो ऐड कर रहे जितना लिख जो ऐड कर रहे लेस लेस कंसंट्रेशन का वो कितना आ रहा है, एक ग्रेटर देन 320 320 से कम सॉरी ग्रेटर देन 320 और किससे कम 320 से ज्यादा और क्या किससे कम 1280 इतना लीटर का तुम ऐड कर रहे हो, इतना लीटर से ऐड करने से इन 320 और इतना लीटर के बीच में तुम ऐड करने से तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन जो है एक लेस देन 4 परसेंट आएगा और एक मोर देन 4 परसेंट आएगा और लेस देन 6 परसेंट आएगा। ठीक है आंसर थोड़ा चेक कर दिए बच्चे लोग, यहां पर इक्वल टू नहीं देना क्योंकि वो मोर देन पूछा इक्वल टू नहीं बोला है, तो यहां पर सब इक्वल टू नहीं रहेगा,
पर आंसर भी नहीं होगा, आंसर में नहीं होगा, इक्वल टू नहीं रहेगा, ठीक है? ये गलती है, इक्वल टू नहीं रहेगा। यहां पर भी सेम थिंग है, इक्वल टू नहीं रहेगा, क्वेश्चन में बोला नहीं है, इक्वल टू नहीं रहेगा। इक्वल टू नहीं रहेगा, यहां पर भी इक्वल टू नहीं रहेगा, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव एडेड टू दिस ऑफ 45% सॉल्यूशन आज यू रिजल्टिंग मिक्सचर विल मोर देन 25% एंड 30 हाँ लेस देन 30% ओके इक्वल टू नहीं देना। यहाँ पर वाटर ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर बच्चे वाटर ऐड किया जा रहा है, ठीक है? एक सॉल्यूशन है, ओके, एक सॉल्यूशन है जिसमें 1125 लीटर है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन में 45% कॉन्सेंट्रेशन का एसिड है, 45% कॉन्सेंट्रेशन का है, इसमें वाटर ऐड किया जा रहा है बच्चों, इसमें वाटर ऐड किया जा रहा है, तो वाटर में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? वाटर ऐड किया जा रहा है, वाटर में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? अरे वाटर में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 0% होता है, ठीक है? अच्छा, लेकिन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बड़ा सा बन जाएगा, क्वांटिटी क्या बन जाएगा? सपोज 1125 लीटर है, उसमें 100 लीटर में ऐड किया, ये बड़ा बन जाएगा, 1125 प्लस एक्स इतना क्वांटिटी बन जाएगा। कौन नहीं समझा, सपोज मैं 100 लीटर ऐड करूंगा, ये 1225 बन जाएगा, वाटर ऐड करूंगा, ये 0% क्यों हुआ, समझे बच्चों? 0% क्यों हुआ, वाटर ऐड कर रहा बच्चों, ये 0% क्यों हुआ, कौन नहीं बोल, कौन समझा नहीं, 0% क्यों हुआ, अर्थात बोले 0% क्यों हुआ, यहाँ पर वाटर ऐड कर रहे हैं, ये 0% क्यों हुआ, सर वाटर में एसिड का कंसंट्रेशन 0 होते हैं। वेरी गुड ओके, तो ये 0% ऐड हुआ, तो 0% ऑफ द वाटर ऐड किया गया, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गया, 1125 था तो x लीटर ऐड करूंगा इतना, वो बोल रहा है इट विल बी, क्या बोल रहा है, मिक्सचर कंटेंट मोर देन 25%, ये पहला इक्वेशन है, मिक्सचर विल कंटेंट मोर देन 25%, ये पहला इक्वेशन है, रिक्वायर टू नहीं रहेगा, और लेस देन 30% सेम रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आएगा मोर देन 25%, और इनका सेम रहेगा लेस देन 100%, इसको थोड़ा पहले सॉल्व कीजिए, ये समझे बच्चों? 1125 प्लस एक्स हुआ, ये क्वांटिटी हो गया, वाटर ऐड किए इतना था, एक्स लीटर में ऐड करूंगा तो इतना क्वांटिटी बन जाएगा, 100 लीटर ऐड करूंगा तो और ये पूरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का बन जाएगा, और लेकिन ये जो एसिड सॉल्यूशन है ना वो डायल्यूटेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके तो देखिए अभी इसका पर बनाते हैं कुछ, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, बनाइए थोड़ा उसी तरह सेम है, लेकिन यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 1125 × 45/100 अभी ग्रेटर देन 1125 + x अभी 45/100 ठीक है, ये 100 बच्चे ये 100 कट जाएगा, ओके ये 45 × 1125 बोलिए बच्चे कितना होता है, कैलकुलेटर अगर है 45 × 1125 कितना होता है, कैलकुलेटर से तरफ करके बोलिए,
फिर से बोलो। अरे 1/25 फिर से बोलो थोड़ा। 0 6 2 5 0 5 0 5 सर 6 6 2 5 6 6 2 5 ना 1 6 सर 5 0 6 2 5 5 0 6 2 5 ओके यस सर। अच्छा हो अच्छा नेक्स्ट देखिए 25 × 1 ये कितना देखिए सर 2 8 1 2 5 ओके लास्ट 25x ठीक है ये से इंटू होगा ठीक है एक तरफ नंबर ले आइए ऑलवेज x को लेफ्ट हैंड ले आइए -25x ऑलवेज लेफ्ट हैंड ले आइए ये 2 8 1 2 5 माइनस 5 0 6 2 5 ओके देन ये कितना बन रहा है -25x बेटा देन ये कितना माइनस कीजिए ये जीरो ये माइनस में आएगा 2 1 4 0 कितना -2 2 1 4 0 -2 2 1 4 0 लॉक क्या जाए ये जीरो टू टू जीरो ये नहीं डबल जीरो आएगा शायद 5 -5 जीरो आएगा 2 2 एक बच्चे बोलो 2 2 5 0 5 0 ओके अच्छा बच्चों ये माइनस का जब डिवाइड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो नेक्स्ट लेस देन ये क्या ये -2 2 5 0 0 by 25 ये -25 हो जाएगा देन x लेस देन कितना हो जाएगा ये 25 9 जा अब ये साइन चेंज हो जाएगा बच्चों जब माइनस का डिवाइड होता है साइन चेंज हो जाएगा 25 9 जा 225 ये डबल जीरो ये पहला इक्वेशन बना बच्चों और एक भी इक्वेशन है वो बोला एक तो मोर देन 25 लेस देन 30 सेम रहेगा लेस देन 30 हो जाएगा तो और एक लिखे बनाइए सर नीचे दिखाइए ना हाँ ठीक है एक मिनट एक मिनट बच्चों थोड़ा ये हो जाना इसको देखना अच्छा बोलिए सर वो x लेस देन 900 होगा ना मोर देन नहीं नहीं ये माइनस जब डिवाइड करेंगे ना जब माइनस डिवाइड होता है तो साइन तो चेंज होता है ना प्लस का डिवाइड में नहीं होता है तो माइनस 25 डिवाइड किया x को लेस देन होगा चेंज हुआ ना सर लेस देन होगा यहाँ तक ग्रेटर देन इसके ऊपर सर नीचे आंसर में जो बॉक्स बनाए हैं सर लेस देन होगा ये ग्रेटर देन था सर लेस देन था ग्रेटर देन होगा अरे सॉरी 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 यहाँ पर भूल कर दिया रुके 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 यहाँ ग्रेटर देन था तो ये माइनस डिवाइड किया तो ये लेस देन हुआ तो अभी लेस देन होगा हाँ ठीक है ठीक है ग्रेटर देन था जब माइनस डिवाइड कर लेस देन किए वही लेस देन रहेगा पता चल जाएगा फाइनल आंसर भी पता चल जाएगा तो ये ग्रेटर देन था लेस देन हुआ ठीक है हो नेक्स्ट बात है सेम है ओके सेम है क्या बोल रहा है
कि इट विल बी व्हाट लेस देन 30% अभी सेम है लेस देन 30% ये थोड़ा चेंज हो जाएगा ये लेस देन 30% हो जाएगा ये चेंज में अगर थोड़ा ये करो ये लेस देन और ये 30% हो जाएगा अभी तो बनाइए कितना बन रहा है 1125 × 45/100 ये तो जीरो हो जाएगा 1125 प्लस एक्स क्यू होगा क्योंकि वाटर ऐड कर दे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा सो 1125 में 100 लीटर सब पानी डाल दिए तो 1125 हो जाएगा तो क्वांटिटी बन जाए बढ़ जाएगा 100 लीटर अगर वाट कर तो क्वांटिटी बढ़ जाए इसलिए प्लस एक्स होगा जितना तुम ऐड करोगे वो क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें ऐड हो जाएगा और ये लेस देन 30% बोला है ये 100 ये कटेगा अच्छा पहले से हम मल्टीप्लाई किए 1.25 × 45 आएगा 50625 ये इंटू कीजिए जीरो रहेगा 3 × 5 = 15 होगा 1 × 2 = 6 = 7 आएगा 3 × 1 = 3 और ये प्लस 30x हमेशा x को लेफ्ट साइड ले आइए ये बनेगा माइनस 30x ये 33750 माइनस कितना 506 उत्तर ले लीजिए 50625 ये सबट्रैक्ट कीजिए बच्चों कितना आ रहा है बच्चे लोग 1687 सबट्रैक्ट किए 1685 कितना 1685 थोड़ा माइनस 30x लेस देन कितना 16 ये भी शायद माइनस आएगा 16 875 यस देन x जब ये माइनस डिवाइड करोगे ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस 16875 डिवाइडेड बाय माइनस 30 कितना आ रहा है बच्चों देखिए सर 562.5 टाइम में काट दे अच्छा आंसर आप थोड़ा देख लीजिए आंसर 562.5 कितना आ रहा है 562.5 तो x का वैल्यू जो है जो ऐड करेंगे जो पानी कितना लीटर पानी ऐड करेंगे कितना लीटर पानी 562.5 लीटर से ज्यादा और किससे कम 900 लीटर से कम उतना पानी ऐड करेंगे तभी जाके उनका जो एसिड का सॉल्यूशन जो है वो आएगा मोर देन 25% और लेस देन 30% यहाँ सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ पर देख 0 × 100 करना है क्योंकि एसिड में वाटर में एसिड का जो है 0% होता है ठीक है इसी तरह और एक एग्जांपल है आप लोग करेंगे अभी गाड़ी है तो ये जो है कितना रहेगा ओके आंसर चेक कर लीजिए अच्छा तुम्हारा बुक में एक तो क्वेश्चन है मेरा अभी 9th क्लास है वो आपको करना है अगर हुआ तो हुआ नहीं तो आप सेम थिंग है ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 20 अगर आ गया तो अच्छा बात है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आप खुद बनाइए सेम थिंग है ओके ग्रेटर देन 15% लेस देन 18% ये 600 लीटर था कि एक्स लीटर ऐड कर रहे तो क्वांटिटी 600 प्लस एक्स होगा एक्स लीटर जब ऐड कर रहे 30% ऑफ द एक्स लीटर लेस क्वांटिटी का जब ऐड कर रहे तो क्वांटिटी 600 प्लस एक्स हो जाएगा ठीक है
आज इतना रहने दीजिए, आप खुद बना दीजिए थोड़ा आगे। ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर ग्राफ का 6 मार्क आएगा लास्ट तीन में, और ये कल हम एक सेट डिस्कशन करेंगे, आप पता चल जाए क्या इनइक्वालिटी का कौन सा क्वेश्चन आता है हमेशा। ओके चलिए बाय सर, गुड नाइट। कल आप लोग का सेम टाइम सब क्लास होगा, संडे कल शाम को लेकिन क्लास नहीं रहेगा।